हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बबल केक। इसे हम बनाएंगे बिना केक मोल के और बिना ओवन के। और जो केक बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। वीडियो लास्ट तक देखिए। छोटी फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक का बेस बनाएंगे। तो इसे मैं बनाने वाली हूँ ओवन में, और इसे हम बनाएंगे कप में। हार्डली 7 से 8 मिनट में जो हमारा केक है ना, रेडी हो जाएगा। 2 टेबलस्पून दही लिया था, इसे हम बिना अंडे के बना रहे हैं। इसमें डाल रही हूँ दूध। 4 टेबलस्पून दूध लिया है, 2 टेबलस्पून दही लिया है। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ ऑयल। तो यहाँ पे जो कुकिंग ऑयल है, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जिसमें हम खाना बनाते हैं ना, वही यूज़ किया है। ऑलिव ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ चीनी 3 टेबलस्पून, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मल शुगर है जिसे मैंने मिक्सर में ग्राइंड किया है। अब इसमें डालने वाली हूँ मैदा 6 टेबल स्पून, यहाँ पे मैदा यूज करना है। डालेंगे कोको पाउडर 2 टेबलस्पून, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और 2 पिंच बेकिंग सोडा। उसका हम एक बैटर बना लेंगे। अगर आपका बैटर ज़्यादा गाढ़ा हुआ ना, तो यहाँ पे आप दूध की मात्रा बढ़ा सकते हो। ओवन को मैंने 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया था। उसमें रखूंगी हमारा कप, और इसे हम बेक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा केक है ना, अच्छी तरह से बेक हो रहा है। केक हमारा अच्छी तरह से बेक हुआ है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसका हम एक डो बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा केक है ना, बहुत सॉफ्ट सा बना है। डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया था, और इसे डबल बॉइलिंग की मेथड से मेल्ट किया है। इसे मैं डालने वाली हूँ हमारे केक के मिश्रण में। 2 टेबलस्पून मिश्रण में डाला है। और इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। कुछ बॉल्स छोटे बनाएंगे और कुछ बड़े वाले। चॉकलेट के बॉल्स भी हमारे रेडी है। चॉकलेट को हमने मेल्ट किया था ना, उसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बटर पेपर लिया है, और एक नॉर्मल वाला प्लास्टिक का टिफिन है जो सबके पास इजीली अवेलेबल होता है। आप चाहे तो यहाँ पे फॉइल का भी यूज कर सकते हो, या फिर क्लीन रैप का भी। बटर पेपर को अच्छी तरह से मैंने डब्बे के ऊपर स्टिक किया है। इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ केक की लेयर। लेयर आपको थोड़ी सी
मोटी ही रखनी है, ज़्यादा पतली लेयर आपको नहीं लगानी है, नहीं तो फिर उसकी अगर आपकी लेयर पतली होगी ना तो आपका जो केक है ना अच्छी तरह से डिमोल्ड नहीं होगा, इतना आपको याद रखना है। आप चाहे तो यहाँ पे केक का जो टिन होता है ना उसके ऊपर पेपर लगा के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर लगाना ज़रूरी है। और अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे, और जो चॉकलेट हम स्प्रेड कर रहे हैं ना यहाँ पे ज़्यादा आपको गर्म नहीं चाहिए, थोड़ी ठंडी हुई चॉकलेट भी चाहिए, और पूरी ठंडी पे आपको चॉकलेट नहीं करनी है, नहीं तो फिर अच्छे तरह से स्प्रेड नहीं होगी। अब इसके ऊपर मैं रखने वाली हूँ हमारे बॉल्स, केक के बॉल्स जिसे हमने अभी बनाया था। बॉल्स आपको छोटे बड़े ही बनाने हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वापस से हमारी चॉकलेट, और केक को हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी सेट कर सकते हो। एक 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा केक है ना अच्छी तरह से सेट हुआ है, हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा केक है ना इजीली डीमोल्ड हुआ है। तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इजी से बबल केक खाने के लिए रेडी हो चुका है। आप इसे बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो मिस किचन।